दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका इस बार का जो नीट एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं गया है। 250, 300, 350 उन्होंने स्कोर किया है। अब बच्चों को चाहिए MBBS और उनको पता है इतने कम मार्क्स पर उनको MBBS नहीं मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि अब हम क्या करें सर, कैसे पढ़ें, हमें अपकमिंग ईयर हर हाल में MBBS चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रास्ता बताने वाला हूं कि अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं या आप अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस कंडीशन में आप कैसे पढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो अपकमिंग नीट एग्ज़ाम में आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मैं आपको बताऊँगा सब कुछ, उससे पहले एक छोटी सी प्रमोशन नोटिस ड्रॉपर्स के लिए। सो फ्रेंड, जैसे कि आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप ड्रॉपर हैं, फ्रेशर्स हैं, आपका सपना है कि आप MBBS करें और आप सर्च कर रहे हैं इंडिया की बेस्ट कोचिंग जो बच्चों को पढ़ाए, उनको ट्रेन करे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आपके सामने है अनअकैडमी जहाँ पर जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पर अनअकैडमी की फी लिस्ट आपके सामने दी गई है, काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है और अगर चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले तो आप मेरा कोड AbhishekSinh01 यूज़ कर 20% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। लिंक और कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाएं और यूज़ करें। अब यहाँ पर फीचर्स क्या क्या हैं अनअकैडमी के आप देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव इलेक्ट्रिक क्लासेस, नोट्स, सब कुछ मिलेगा जो कि एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए। अब आपके सामने बैचेज जो स्टार्ट हुए, इसमें आप देखिए एम्स रैंकर्स बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 15th September से। यहाँ पर आपके सामने बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स है जो नीट के टॉप रैंकर प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं सामर्थ बैच, ये 15 September से स्टार्ट हो रहा है। अद्वितीय बैच हिंदी मीडियम के लिए 17 September से। तो सभी बैचेस बिल्कुल रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए, बस आपने फटाफट अनअकैडमी को ज्वाइन करना है, मेरा कोड AbhishekSinh01 यूज़ करना है, देन फी देकर डिस्काउंट लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और घर पर रहकर नीट के लिए एक नीट योद्धा बनना है ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक ना पाए और आप एक बेस्ट डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर पाएँ। तो ये आपके सामने कंप्लीट डिटेल थी अनअकैडमी की तरफ से। आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों कहते हैं अगर आपको लाइफ में सफल होना है, आपको एक MBBS डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक वादा करें कि जिन गलतियों को आपने प्रीवियस एग्ज़ाम में किया या प्रीवियस लाइफ में किया, हम उन गलतियों को अब अपकमिंग एग्ज़ाम या फ्यूचर में कभी नहीं दोहराएंगे। जिस दिन आपने ये ठान लिया उस दिन मंजिल सफलता आपके कदमों में होगी। ये एक कहते हैं रियलिटी है, इसको जितनी जल्दी आप समझ पाएँ उतनी जल्दी आपका सपना साकार हो पाएगा। अब कुछ यूँ समझिएगा, आपने नीट एग्ज़ाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चंस को पढ़ा, सॉल्व किया, तभी आपके 300-400 मार्क्स आए हैं। तो आखिर क्यों 300 ही आए, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे फिजिक्स के केमिस्ट्री के जो आपसे नहीं लग रहे थे, उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए। अभी आपके पास नियर अबाउट 7 to 8 months है अपकमिंग एग्ज़ाम आने में, उसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें। आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको बस अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग करना है और नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर अपकमिंग ईयर एग्ज़ाम देने जाना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मार्क्स 650 प्लस आने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। यहां पर एक बात और समझिएगा, आपने देखा होगा, फील किया होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किस टीचर से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस कोचिंग को ज्वाइन करें, वो इसी में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त बता दूँ कि हर एक टीचर, बुक, कोचिंग सभी बेस्ट हैं, लेकिन जिसकी पढ़ाई, जिसका तरीका आपको समझ में आ जाए वो आपको सिलेक्शन देने में हेल्प करता है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप रेफरिंग बुक को पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए जब आप NCERT को क्लियर कर लें, क्योंकि NCERT वो बुक है जो कहते हैं ना कि मतलब एक बेसिक न्यू है। अगर आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपने अगर A to Z NCERT को पढ़ रखा है तो मतलब ये होता है कि आप 80% डॉक्टर बन जाओगे, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अभी भी आपके पास प्रॉपर समय है, अब समय को वेस्ट ना करें। डेली 6 to 7 hours जितना संभव है, सबसे पहले आप NCERT की एक एक लाइन को क्लियर कर लें, उसके सभी फार्मूलेज को पढ़ लें। अब यार कूलॉम्स ला हुआ, न्यूटन्स ला हुआ, ग्रेविटी का हुआ, ये सब चीज़ें जो NCERT में है वही रेफरिंग बुक में है, बस रेफरिंग बुक की एडिंग ज़्यादा होती है, कोचिंग ज़्यादा उसको ऐड करती है अपने जो मॉड्यूल्स को, और NCERT की एड कम होती है।
इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को कम मानते हैं। जैसे कभी आप देखा होगा कि हम एक गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितना प्राइवेट डॉक्टर को देते हैं। हमारी फैमिली के लोग जाते हैं गवर्नमेंट में नहीं जाते, वो चाहते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं, जबकि जो डॉक्टर प्राइवेट में है वही गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, डिग्री सेम है। इसके अलावा जो बंदा प्राइवेट करता है ना उसकी गवर्नमेंट जॉब भी है, तो वो दिन में बैठता है हॉस्पिटल में, रात में आता है क्लिनिक पे। लेकिन प्राइवेट में बैठने से जो है अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छी दवाई मिलेगी, ये लोगों की मेंटेलिटी है और इसी के लिए लोग महंगी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप सिंपल से एनसीईआरटी ले लो और उसको क्लियर कर लो, जब आपको क्लियर हो जाए उसके बाद आप रेफरिंग बुक को पढ़ो, जो कुछ करना है करो, लेकिन एनसीईआरटी को स्किप करके आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपने देखा होगा इस बार आपके नीट एग्ज़ाम में नियर अबाउट 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए थे, और कहते हैं कि अगर आपने नीट एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में 90% स्कोर कर लिया है तो आपकी सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। सो आई होप गाइस, जो मैंने बोला, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, वो सब कुछ आपके समझ में आया होगा और आज से आप फिर से स्टार्ट कर देंगे एक दुगनी एनर्जी के साथ में कि जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक रेस्ट नहीं। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।